एक के बाद आपका स्वागत है। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में गिरे 10 साल के राहुल को करीब 104 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद बाहर निकाल लिया गया। 5 दिन तक जिला प्रशासन, पुलिस से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान राहुल के रेस्क्यू के लिए दिन रात प्रयास कर रहे थे। फिलहाल राहुल को बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। सीएम ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान गड्ढे में एक सांप भी आ गया था, मगर खतरा टल गया। टनल से राहुल को लेकर निकाला गया है। ये जीत की खुशी है, ये उस साहस को सलाम है जो 5 दिन और 4 रातें रेस्क्यू टीम ने अपनी मेहनत से कामयाब बना दी। आखिरकार छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में गिरे राहुल को करीब 104 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद बाहर निकाल लिया गया। 5 दिन तक जिला प्रशासन, पुलिस से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान राहुल के रेस्क्यू के लिए दिन रात प्रयास करते रहे। इस तरह का ये देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है। अब तक का मुझे लगता है कि देश में और भी देशों में अपने आप में नायाब ऑपरेशन रहा। जिस प्रकार की प्राकृतिक चुनौतियां थी, सबके आपके सामने थी। डे बाय डे आप लोग अपडेट्स ले रहे थे, हम भी दिखा रहे थे कि चुनौतियां आती जाएंगी और हम उसको पार करते जाएंगे और पूरे विश्व को दिखा देंगे कि एनडीआरएफ एक ऐसी रेस्क्यू फोर्स है जो कि विश्व में एक एलाइट फोर्स मानी जाएगी। 5 दिन तक 60 फीट नीचे दबे रहने और गड्ढे में पानी भरे होने के कारण राहुल को बेहतर इलाज के लिए फौरन एम्बुलेंस से बिलासपुर के अपोलो अस्पताल भेजा गया। बिलासपुर की दूरी करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा होने के कारण प्रशासन ने इस रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर में बदल दिया था। राहुल की स्थिति, डॉक्टर से मैंने टनल के बाहर निकलते ही कहा, उसने कहा स्टेबल है, ठीक है, ही विल रिकवर पक्का और बहुत अच्छे हालातों में हमारे बीच में होगा। उसको जो बेस्ट से बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। इससे पहले सेना के जवानों ने पूरे रेस्क्यू की कमान अपने हाथों में ले ली थी। जवान ही टनल के जरिए पहले बोरवेल के गड्ढे तक और फिर राहुल तक पहुंचे। राहुल के अंदर होने के कारण रास्ते की चट्टानों को ड्रिलिंग मशीन से ना काट कर हाथों से तोड़ा गया, फिर अंदर की मिट्टी हटाई गई। इसके बाद रस्सी और स्ट्रेचर के सहारे खींचकर राहुल को बाहर निकाल लिया गया। बोरवेल में फंसा हुआ था, केसिंग नहीं थी बोरवेल में, 10 इंच का डायमीटर था, तो वहाँ से निकालना एक ऐसे बच्चे को जो कि रिस्पांस नहीं दे रहा है, हुक से, रस्सी की मदद से, जो भी इम्प्रोवाइजेशन होता है उससे रिस्पांस नहीं दे रहा, तो उस बच्चे को निकालना थोड़ा सा कठिन था। उसके बाद ही इतनी बड़ी चुनौती जो हमने देखी है, पूरा प्लांट एफर्ट लगा के, पोकलेंस, जेसीबीज, डोजर्स लगा के पूरी मिट्टी को डिग करना, बच्चे को बाहर निकालना 60 फीट नीचे, तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण मिशन था ये। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में शुक्रवार को बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में राहुल गिर गया था। करीब 60 फीट गहरे गड्ढे से उसे बाहर निकालने में चट्टान के चलते काफी दिक्कतें आईं, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने राहुल को निकालने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। फिलहाल बिलासपुर में डॉक्टरों की निगरानी में राहुल का इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।